अस्सलामुअलैकुम, आरवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं कुरतुलैन इकरार। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी का भी जो मुल्क का हाल किया जा रहा है, जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, उनका भी फर्ज बनता है वो इसमें हमारी मदद करें। चौधरी शुजात का मुतालबा, मुल्क का जो हाल है इसमें हमारी मदद करना फौज का फर्ज बनता है। डॉक्टर ताहुल कादरी ने नवाज शरीफ से पूछ लिया करप्शन केसेस कैसे खत्म कराए। इमरान खान कल शाम कराची में जलसे से खिताब करेंगे। मजार कायद के पास स्टेज तैयार होना शुरू हो गया। आरिफ अलवी ने फिर कह दिया कि सिंध की तकसीम नहीं चाहते। पीटीआई की सिंध में इंतजामी यूनिट की मुखालफत पर सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। पुष्पक शुजात कहते हैं नए सूबे तकसीम की बात नहीं की, नए इंतजामी यूनिट बनाना चाहते हैं। सिंध में नए इंतजामी यूनिट के मामले पर सियासी माहौल गर्म। पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें इंतजामी यूनिट को सूबे की तकसीम समझती हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं कि सूबाई असेंबली चाहिए तो नया सूबा बन सकता है। पाक फौज का ऑपरेशन जरबेज कामयाबी से जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में फजाई कार्रवाई, 12 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज बवाद से भरी 4 गाड़ियां तबाह। सैलाबी रेला दादू में दाखिल हो गया, 10 से ज्यादा देहात जेरे आब। बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी के कादिरपुर बंद का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, सैलाब जदगान से भी मुलाकात की। मुल्तान में आबिद शेर अली के जाते ही इमदादी सामान पर धावा, बदनज़मी के बायस सीना झपटी, जिसको जो मिला ले उड़ा। मुतासरीन सैलाब और इमदादी सामान देखते रह गए। मुल्तान में आबिद शेर अली के जाते ही मीर शकीरुर रहमान, मीर इब्राहिम और आमिर मीर एबटाबाद की अदालत में पेश न होने पर मफरूर करार। मुकदमे में तीनों पर ISI को बदनाम करने का इल्जाम। पाकिस्तान के शहर शहर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची के मंडी में मुल्क भर के जानवरों की आमद, भारी भरकम जानवरों को देखकर शहरी खुश तो कीमतें सुनकर परेशान। व्यापारियों का वही रवायती जवाब, पीछे से महंगा मिल रहा है। और न्यूजीलैंड का नामवर खिलाड़ी क्रिस कैंस बस अड्डे की सफाई करने और बस चलाने पर मजबूर। ये थी हेडलाइन, तफसीली खबरें होंगी। का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, सैलाब जदगान से भी मुलाकात की। मुल्तान में आबिद शेर अली के जाते ही इमदादी सामान पर धावा, बदनज़मी के बायस सीना झपटी, जिसको जो मिला ले उड़ा। मुतासरीन सैलाब और इमदादी सामान देखते रह गए। मुल्तान में आबिद शेर अली के जाते ही मीर शकीरुर रहमान, मीर इब्राहिम और आमिर मीर एबटाबाद की अदालत में पेश न होने पर मफरूर करार। मुकदमे में गया, आरिफ अलवी ने फिर कह दिया कि सिंध की तकसीम नहीं चाहते। पीटीआई की सिंध में इंतजामी यूनिट की मुखालफत पर सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। पुष्पक शुजात कहते हैं नए सूबे तकसीम की बात नहीं की, नए इंतजामी यूनिट बनाना चाहते हैं। सिंध में नए इंतजामी यूनिट के मामले पर सियासी माहौल गर्म। पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें इंतजामी यूनिट को सूबे की तकसीम समझती हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं कि सूबाई असेंबली चाहिए तो नया सूबा बन सकता है। पाक फौज का ऑपरेशन जरबेज कामयाबी से जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में फजाई कार्रवाई, 12 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज बवाद से भरी 4 गाड़ियां तबाह। सैलाबी रेला दादू में दाखिल हो गया, 10 से ज्यादा देहात जेरे आब। बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी के कादिरपुर बंद। अस्सलामुअलैकुम, आरवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं कुरतुलैन इकरार। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी का भी जो मुल्क का हाल किया जा रहा है,
जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, उनका भी फर्ज बनता है वो इसमें हमारी मदद करें। चौधरी शुजात का मुतालबा, मुल्क का जो हाल है इसमें हमारी मदद करना फौज का फर्ज बनता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ से पूछ लिया करप्शन केसेस कैसे खत्म कराए। इमरान खान कल शाम कराची में जलसे से खिताब करेंगे। मजार-ए-कायद के पास स्टेज तैयार होना शुरू हो